बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज हम जनरल साइंस के टोकन क्वेश्चंस देखेंगे जो कि काफ़ी सारे टेस्ट में आ चुके हैं और आगे भी एक्सपेक्टेड है, क्योंकि टेस्ट निकालने वाले अक्सर जो है ना बैठ के टेस्ट नहीं निकालते, वो ऐसे बस पास पेपर से कुछ क्वेश्चन वहाँ से लिए, कुछ क्वेश्चन वहाँ से लिए, बस टेस्ट बना देते हैं। तो आइए चलिए जनरल साइंस के हम वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो कि एक्सपेक्टेड है। सबसे पहला क्वेश्चन है, ग्लास इज़ मेड अप ऑफ द मिक्सचर ऑफ, गिलास किन चीज़ों के मिक्सचर का बना हुआ होता है? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, सैंड एंड सिलिकेट्स। अगला क्वेश्चन है, डिफिशेंसी ऑफ विटामिन डी रिजल्ट्स इन, अगर किसी में विटामिन डी की कमी हो जाए तो उसकी वजह से क्या होता है? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, रिकेट्स। और आई गेस रिकेट्स बोन्स की जो है ना वो बीमारी होती है जिसमें बोन्स हड्डियाँ हमारी कमज़ोर हो जाती हैं, और नाइट ब्लाइंडनेस जो होती है वो डिफिशेंसी ऑफ विटामिन ए की वजह से होती है। अगला क्वेश्चन है, द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज़, प्रेशर का एसआई यूनिट क्या है? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, पास्कल। अगला क्वेश्चन है, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग वेरी हाई टेम्परेचर इज़, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है जिससे हम बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर को मेजर करते हैं? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, पेरोमीटर। अगला क्वेश्चन है, द फ्लूड पार्ट ऑफ ब्लड इज़ नोन एज, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, प्लाज्मा। अगला क्वेश्चन है, लाउड स्पीकर चेंजेस डैश एनर्जी इनटू साउंड एनर्जी, जब हम लाउड स्पीकर को ऑन करते हैं तो वो कौन सी एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करके जिसके थ्रू हमें आवाज़ आता है। अगला क्वेश्चन है, GPS इज़ एन एब्रीविएशन फॉर, GPS किस चीज़ का शॉर्ट फॉर्म है? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। हम ये शॉर्ट फॉर्म यूज़ तो करते हैं लेकिन हमें इसका फुल फॉर्म पता नहीं होता, जैसे GPS, ATM, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, जैसे SIM, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, और बहुत सारे ऐसे LED लाइट इमिटिंग डायोड, LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, इन चीज़ों को हम शॉर्ट फॉर्म में यूज़ तो करते हैं लेकिन इनके फुल फॉर्म जानने की कोशिश नहीं करते। कोशिश करें इनका फुल फॉर्म याद रखें क्योंकि ये भी टेस्ट में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, द प्लेनेट व्हिच इज़ इजीली विजिबल फ्रॉम द अर्थ, कौन सा प्लेनेट है जो अर्थ से इजीली विजिबल होता है? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, वेनस। वेनस जिसे हम बर्निंग स्टार या शाइनिंग स्टार भी कहते हैं। जुपिटर जो है वो लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम है, और मर्क्यूरी जो है वो स्मॉलेस्ट प्लेनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम है। अगला क्वेश्चन है, पैथोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ, पैथोलॉजी किसका इलम है या किसको कहा जाता है? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, डिजीज़। बीमारियों के इलम को पैथोलॉजी कहा जाता है या पैथोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ डिजीज़। अगला क्वेश्चन है, आइंस्टाइन फेमस इक्वेशन व्हिच स्टेट्स दैट मास एंड एनर्जी आर इंटरचेंजेबल इज़, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, E=mc². अगला क्वेश्चन है, द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज़, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, एम्पेयर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ड्राई आइस, ड्राई आइस क्या है या किस चीज़ का मिक्सचर होता है या किस चीज़ का फॉर्म होता है? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, ड्राई आइस इज़ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, डाइजेशन ऑफ फूड इज़ कम्प्लीटेड इन द, फूड की डाइजेशन कहाँ पर कम्प्लीट होती है हमारे जिस्म में? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, स्मॉल इंटेस्टाइन। अगला क्वेश्चन है, वो इन्वेंटेड बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब किसने जो है ना वो इन्वेंट किया था? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, एडिसन। अगला क्वेश्चन है, फॉर प्रॉपर फॉर्मेशन ऑफ टीथ डैश इज़ इसेंशियल, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, फ्लोरीन। अगला क्वेश्चन है, डिफिशेंसी ऑफ डैश काजेज लॉस ऑफ एपेटाइट एंड पुअर ग्रोथ, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, जिंक। अगला क्वेश्चन है, मेटियोरोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, एटमॉस्फेयर। अगला क्वेश्चन है, डायमंड इज़ एन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ, डायमंड किस चीज़ का एलोट्रोपिक फॉर्म है? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, कार्बन। अगला क्वेश्चन है, द एसआई यूनिट ऑफ हीट इज़, हीट का एसआई यूनिट क्या है?
तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी जोल। अगला क्वेश्चन है बैटरी वाज इन्वेंटेड बाय, बैटरी किसने ईजाद की थी, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी एलेक्जेंड्रो वोल्टा। अगला क्वेश्चन है ईयर इज़ लॉन्गेस्ट ऑन विच प्लेनेट, कौन से प्लेनेट पे सबसे लंबा जो है ना साल होता है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी नेपच्यून। हमारी अर्थ पर 164 ईयर्स गुजर जाएं फिर नेपच्यून पे एक ईयर होगा, मतलब दुनिया के 60,000 दिन गुजर जाएं फिर नेपच्यून पे एक साल पूरा होगा, इतना लंबा जो है ना इसका साल होता है क्योंकि ये सूरज से बहुत ज़्यादा दूर है। ये थी आज की छोटी सी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर पसंद आएगी और काम भी आएगी, ये चीज़ें नोट डाउन कर लें आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं। तो आज के लिए इतना ही था, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।